मित्रों, अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मियां बहुत तेज बढ़ रही हैं। दोस्तों, टेम्परेचर 40 तक पहुंच रहा है। ऐसे में दोस्तों, हमारे किचन गार्डनिंग करने वाले सभी साथियों के समक्ष बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दोस्तों, वो के पौधे उनकी पत्तियां जो है जल रही हैं तथा दोस्तों सूख रहे हैं और यहाँ तक कि मरने के कगार पर आ चुके हैं। दोस्तों, आज मैंने इस समस्या के निराकरण के लिए आप लोगों के लिए कुछ विशेष पॉइंट चुन चुन के लाया हूँ और उन पॉइंटों में भी कुछ सूक्ष्म पॉइंट ऐसे हैं अगर जिनको आप अपनाते हो, जिस पे अमल करते हो दोस्तों, तो आपके पौधे इस प्रचंड गर्मी में, इस प्रचंड जो लू चल रही है पश्चिम की तरफ से, दोस्तों आपके पौधे ना तो सूखेंगे ना तो दोस्तों मरेंगे। तो दोस्तों, आइए हम उन पॉइंटों के बारे में जानते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम गर्मियों से अपने पौधों को कैसे बचाएं और इस लू से कैसे बचाएं, दोस्तों इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट मैंने निर्धारित किया है और उन पॉइंटों में भी कुछ विशेष पॉइंट हैं जिन पे आपका ध्यान मैं केंद्रित करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, चलिए हम अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, पौधे के लिए वाटरिंग करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, वाटरिंग हम कैसे करेंगे और कितना करेंगे तथा कब करेंगे, इन बातों पर पहले हम विचार करते हैं। अगर इन बातों पर ही हम अच्छी फोकस कर लेते हैं अपने पौधों के ऊपर, तो दोस्तों हमारे पौधे जो है बिल्कुल गर्मी में मरेंगे ही नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे पहला पॉइंट आता है पानी को हम अपने पौधों को कब दें। कब के लिए हमें पानी को मित्रों सुबह सुबह ही देना है, 8 बजे से पहले पूरा पानी देना है। कितना देना है तो पूरा पानी भर भर के देना है। तो दोस्तों, आइए हम पानी कैसे देते हैं इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, पानी देने के लिए इस तरीके से आप या तो हजारा ले लें और या फिर और जो भी साधन हो आपके पास उपलब्ध हो उस तरह से इसको हमने ये देखे पानी देना स्टार्ट कर दिया। अब होता है दोस्तों कि कुछ लोग इतना ही पानी दे करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि मैंने कहा पूरा भर के पानी देना है। गर्मियों का सीजन चल रहा है इसलिए पूरा पानी देना है, इसको पूरा भर देना है। जितना इसमें जगह स्पेस खाली है पूरा भर दीजिए आप। इस तरह से आप पानी देंगे तो आपका पौधा सेफ रहेगा। दोस्तों, हमारा दूसरा पौधा है, क्या हम अब इसमें पानी दे दें इस तरीके से जैसे इस पौधे में दिया था? तो नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल ध्यान देना है, आपको अपनी मिट्टी को चेक करना है। देखिए दोस्तों, जब हम इस मिट्टी को चेक करें, ये सूखी हुई है और इसके यहाँ देखिए ये जैन बनी हुई है। इस तरीके से ये मिट्टी गमले को छोड़ दिया है, यानी गमले से हट गई है। अगर हम इसमें पानी देते हैं तो मित्रों ये पानी तुरंत ही नीचे चला जाएगा और ड्रेनेज होल से बाहर हो जाएगा। हमारा पानी देना ना देना एक समान हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में दोस्तों हमको एक इस तरह से कल्टीवेटर लेना है और इससे जो है इसकी निराई गुड़ाई अच्छे ढंग से कर लेना है। इस तरह से कर लेने के बाद यदि खाद देने की आवश्यकता हो तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। यदि आवश्यकता नहीं है तो दोस्तों आप इस तरीके से इसको गुड़ाई कर लीजिए। और गुड़ाई करने के बाद अब दोस्तों इसमें पानी दीजिए। तो ये पानी देने का तरीका गर्मियों में बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से अब इस पूरे गमले को भर देंगे, देखेंगे कि दोस्तों ये जल्दी से अंदर नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा ताकि इस गमले की पूरी मिट्टी भीग जाए, जैसा कि इस गमले की पूरी मिट्टी भीग गई है। इस तरीके से आप पानी दीजिए पूरा। ये हमने पानी दे दिया दोस्तों, ये हमारे दोनों गमलों में फुल पानी हो चुका है और धीरे धीरे ये पानी नीचे जा रहा है और दोस्तों पूरी मिट्टी इसकी गीली हो जाएगी, पूरी जड़ों पर इसको पानी पहुंच जाएगा और पूरी जड़ें जो है एक्टिवेट हो जाएंगी और दोस्तों ये भोजन बनाने के लिए पोषक तत्वों को ऊपर खींच करके पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो अब हम अपने तीसरे पौधे पर आ गए हैं। देखिए इसकी मिट्टी इस तरीके से गमले में भरी हुई है। क्या दोस्तों हम इसमें पानी डाल दें उसी तरीके से जैसे पीछे डाला? तो आप कहेंगे हाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन इसमें दिक्कत है, इसमें देखिए दोस्तों जगह बहुत कम है। ये हमने इसको ऐसे नापा, देखिए ये करीब आधा इंच इसमें जगह है। अगर हम आधा इंच पानी दे करके आगे बढ़ जाएंगे तो दोस्तों इसका पानी लगभग 2-3 इंच ही नीचे जा पाएगा, इसके जड़ों को मिलेगा नहीं। इसलिए दोस्तों आपको इसका काम करना है ये कि आप इस कल्टीवेटर लीजिए और इसकी मिट्टी निकाल दीजिए करीब 2 इंच। दोस्तों इस तरीके से जब हम 2 इंच मिट्टी निकाल देंगे इसका, तो इसके अंदर पानी देने के लिए हमें जगह मिल जाएगी और प्रॉपर ढंग से हम तब पानी दे पाएंगे और पौधे को पूरा पानी मिलेगा। और अब हम इसकी थोड़ा सा नीचे गुड़ाई करेंगे और दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा खाद देंगे, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी मिट्टी हमने इसका निकाल दिया है। इसमें इस तरीके से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ये देखिए हमारे पास है, इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसको फिर इसमें मिला देंगे अच्छे ढंग से। अब हम इसमें पानी
देंगे और भरपूर पानी दे देंगे ताकि मिट्टी नीचे तक जो है 18 इंची ऊंचा गमला है और नीचे केवल आधा इंची पानी देते, ऊपर तो दोस्तों वहीं नहीं पहुंचता। हमने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस तरीके से आप भी अपने सारे गमलों को चेक करके ही पानी देंगे। इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने फुल पानी भर दिया है। अब यह कभी भी पूरे 5 बजे तक दोस्तों इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पूरी गर्मी को बर्दाश्त करेगा और स्ट्रेस में आएगा नहीं, ना तो इसकी पत्तियां आएंगी स्ट्रेस में, ना तो ये जलेंगी, ना कुछ होगा। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप अपने छत पर रखे हुए गमलों को चेक करके पानी देंगे तो ये सबसे सही तरीका है। इसमें मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पॉइंट को कवर किया है और आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों अब हम अपने मुख्य पॉइंट दूसरा नंबर है जो उस पे आते हैं। मित्रों दूसरा पॉइंट है हमारा पौधों को सावरिंग करना, यानी सुबह पौधों को नहलाना। तो दोस्तों आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसके हिसाब से, जैसे हमारे पास ये अजारा है, हमने इसको ले लिया। आपके पास कोई बाइक हो उसमें आप सावर कर सकते हैं, बाद उसको तरीके से सावर कर लीजिए, पूरा नहला दीजिए। ये देखिए पूरा भीग गया दोस्तों। इस तरीके से आप सभी पौधों को अपने नहलाएंगे। नहलाने का फायदा ये होगा दोस्तों कि इसकी पत्तियां एकदम तरोताजा हो जाएंगी और तरोताजा होंगी, साफ सुथरी हो जाएंगी। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण ये बहुत तेजी से करेंगी और भोजन बनाना प्रारंभ कर देंगी और भोजन बनाने में लग जाएंगी। तो दोस्तों यह स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आएंगी, ना तो ये बर्न होंगी दोस्तों, ना तो ये सूखेंगी। इस तरीके से अगर आप सावर डेली कर देते हैं अपने पौधों को तो आपका पौधा गर्मी में कभी भी मरने के कगार पे पहुंचेगा ही नहीं। दोस्तों इतना कर देने से आप 75% अपने पौधों को सेव कर चुके हैं। अब 25% की बात है, उसको मैं अगले पॉइंटों में आपको बताता हूँ। हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों मल्चिंग का। मल्चिंग तो आप लोग करते ही हैं, मल्चिंग जानते भी हैं, करना भी जानते हैं, आप लोग बहुत से वीडियो भी देखे होंगे। लेकिन दोस्तों मल्चिंग करने का जो विशेष पॉइंट है, जो हमने उसमें से छांट करके बारीक पॉइंट निकाल रखा है, उसको करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए उस बारीक पॉइंट को जानते हैं। वो बारीक पॉइंट दोस्तों ये है कि आप अपने मल्चिंग करने से अपने पौधे की निराई गुड़ाई करेंगे और उसमें दोस्तों वर्मी कंपोस्ट भरपूर मात्रा में मिला देंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए ये हमारा पौधा है, इसी की हम मल्चिंग करने वाले हैं, तो हम पहले इसकी निराई गुड़ाई करते हैं और मिट्टी को थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, इस तरीके से चढ़ा लेंगे और जो हमारा ये स्पेस बचा इसमें हम दोस्तों भरपूर मात्रा में इसको इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट दे देंगे। आपके पास जो भी काउडंग कंपोस्ट हो या लीव कंपोस्ट हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसे आप भरपूर मात्रा में इसको दे देंगे इस तरीके से। ये हमने ले लिया और दोस्तों इसके ऊपर बिछा देंगे। अब दोस्तों हम इसमें पूरा भर देंगे गमले को पानी से ताकि पूरी नीचे तक की पहुँच जाए। इतना ही देंगे, नीचे ना निकले। अब दोस्तों इसकी मल्चिंग के लिए हमने ये देखिए दोस्तों सहजन यानी मोरिंगा का जो है छिलका ले रखा है। ये बहुत ही ताकतवर है दोस्तों, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सारी मात्राएं इसके अंदर हैं। दोस्तों इससे अगर हम मल्चिंग करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा पौधे के लिए, क्योंकि यह दोस्तों एंटी फंगल भी है, यह फंगस भी नहीं लगने देगा। इस तरीके से देखिए हमने इसको ऐसे जो है आप भी मल्चिंग कर दीजिएगा और आपके अपने घर का जो कचरा है छिलके रूप में आप फेंक देते हैं उसका भी देखिए हमने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया। तरीके से आप जो है अपने गमलों की मल्चिंग करेंगे। दोस्तों दूसरा मल्चिंग का जो सोर्स है वो है दोस्तों नारियल का इस तरीके से छिलका। आप अपने घर में जो भी नारियल इस्तेमाल करते हैं उसका छिलका कलेक्ट कर लीजिए, उसको फेंकिएगा नहीं, ये बहुत काम का है दोस्तों। सबसे अच्छी मल्चिंग इसी छिलके से होती है। तो दोस्तों आप इस छिलके से अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों कोकोपीट है तो उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। आप सूखे पत्ते यदि अपने गार्डन से कलेक्ट किए हैं तो उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से दोस्तों राइस हस्क से मल्चिंग कर सकते हैं और भी बहुत से जो साधन आपके पास हैं, जैसे आपके पास अगर कंडा है तो आप उस कंडे से भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप मल्चिंग करेंगे तो आपके पौधे कम से कम 10% तो ऐसे ही बच जाएंगे। 75-80% पौधे जो है आपके वैसे ही बच रहे हैं इतना काम करने से। और आगे आइए मैं अगले पॉइंट पर चलता हूँ। अब दोस्तों गर्मियों में पौधों को भोजन कैसे दिया जाए इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भोजन आपको पौधे को बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में देना है। लिक्विड फॉर्म में आप विभिन्न प्रकार के खादें जो आप जानते हैं, आपको मालूम भी है, आप बना सकते हैं, उसको बनाइए और लिक्विड फॉर्म में अपने पौधों को दीजिए। देखिए हमने जो कर रखा है दोस्तों, वह हमने जो वर्मी कंपोस्ट की टी बना रखा है, देखिए ये टी हमने बना रखा है। अब हम इसको पूरी गर्मियों अपने पौधे को 15 दिन के लिए इस खाद का प्रयोग करेंगे।
दूसरा दोस्तों 15 दिन बाद जो है हम ये देखिए खाद बना रखे हैं। इस तरीके से हमने बायो एंजाइम के रूप में जो है ये खाद बनाया है दोस्तों। इसमें केले के छिलका और गुड़ का इस्तेमाल करके हमने बायो एंजाइम बना रखा है और अब हम 15 दिन इसके बाद फिर 15 दिन के लिए इस खाद को सारे अपने पौधों में देंगे। दूसरी खाद दोस्तों आपको बनाना है इस तरीके से, गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं उनसे हमने देखे ये ठंडी खाद बना रखा है दोस्तों। तो अब हम 15 दिन के लिए इन पौधों में इस खाद का प्रयोग करेंगे। चौथी खाद दो हमने अपने घर के जो छिलके निकले थे उससे बना रखा है दोस्तों। इस तरीके से देखिए आप भी बनाते रहिएगा और ये बहुत ही जो है पावरफुल खाद है और इसको देने के बाद फिर आपको अपने पौधे में और किसी खाद का कोई प्रयोग नहीं करना है पूरी गर्मियों। और पूरी गर्मियों अगर ये चार खाद इस तरीके से आप बना लेते हैं मित्रों तो आपको पूरी गर्मी और किसी खाद को देने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी खाद से आपका 2 महीने निकल जाएगा। 15-15 दिन में इनका प्रयोग करते रहिए तो दोस्तों आपके पौधों को भोजन की कमी नहीं होगी और पौधे आपके बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, गर्मी से बिल्कुल बचे रहेंगे, न मरेंगे न सूखेंगे। दोस्तों अब आते हैं हम अपने 5वें पॉइंट पर। दोस्तों 5वां पॉइंट भी बहुत जरूरी है आपको करना इस तपती हुई गर्मी में। तो दोस्तों करना यह है, यदि आपके पास कोई बड़ा पौधा है इस तरीके से जैसे ही बड़ा पौधा, इसके नीचे आसपास जो है आप दोस्तों अपने छोटे छोटे जो गमले हैं जिसको आप उठा करके रख सकते हैं इसके नीचे रख दीजिए। देखिए ये हमारा गुलदाउदी का पौधा है जो कि गुलदाउदी इस समय हमने इसको खिला रखा है जबकि ये अप्रैल का महीना चल रहा है और टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंचा हुआ है। जब भी देखिए हमारा गुलदाउदी का पौधा ऐसी जगह रखने की वजह से खिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप काम करते हैं तो दोस्तों आपका पौधा कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएगा। अब हम अपने अंतिम और 6ठे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। यह भी बहुत आवश्यक है टेरिस गार्डनिंग करने वाले लोगों के लिए। दोस्तों यदि आपसे मन पड़े तो दोस्तों इस तरीके से आप ग्रीन शेड जरूर लगा लें ताकि इस तपती हुई गर्मी से, इस लू से जो है आप अपने पौधों को बचा पाएं। तो दोस्तों यह जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, पॉइंट में भी पॉइंट निकाल करके आपको बताया है, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के लिए भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस जानकारी का फायदा उठाएं और अपने पौधे को इस तपती हुई गर्मी और गर्म हवा से बचा पाएं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।